हेलो सीएससी स्टूडेंट्स, आईसीएससी क्लास 10 और आईएससी क्लास 12 के लिए बहुत बड़ी बिग अपडेट है, क्योंकि दोस्तों सीआईएससी ने अभी अभी अपने ऑफिशियल वेबसाइट से एक इमरजेंसी सर्कुलर और एक ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन आपके सेमेस्टर 2 के एग्जामिनेशन के लिए निकाल दिया है। आई होप दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखेंगे। 5 पेजेस का ही दोस्तों इंस्ट्रक्शन है जो कि सीआईएससी की तरफ से निकाला गया है। तो आइए आज इन बातों पर डिस्कस करेंगे कि आखिर किन किन चीज़ों को, कौन कौन से गाइडलाइंस को पालन करना है और क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपके सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। सबसे पहली और बड़ी बात यहाँ पे ये बोली गई है कि आपके काउंसिल ने यहाँ पे सबसे बड़ी बात बोली है कि ईयर 2022 रिजल्ट विल बी इश्यूड थ्रू द कन्वर्स टू द हेड ऑफ स्कूल इन द मंथ ऑफ जुलाई 2022। यानी कि यहाँ पे साफ साफ इन बातों को बोला गया है कि जुलाई 2022 में आपके स्कूल के हेड के जरिए आपके सेमेस्टर 2 के एग्जामिनेशन के रिजल्ट को दोस्तों लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे ये भी बातों को बोला गया है कि द रिजल्ट विल नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द काउंसिल इन न्यू दिल्ली। यानी कि सीआईएससी का ऑफिशियल काउंसिल हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इस रिजल्ट को अनाउंस नहीं किया जाएगा। दूसरी और सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्यूरीज अबाउट द रिजल्ट बाई द कैंडिडेट्स पेरेंट्स गार्जियन विल नॉट बी इंटरटेन्ड बाई द काउंसिल। इन सब इंस्ट्रक्शन को सीआईएससी ने अपने हेडेज में इस बातों को बोल दिया है और आपके सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत बड़ी बिग न्यूज, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग दी गई हुई है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ डायरेक्शन आपके सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग भी दिए गए हैं, तो आइए उन डायरेक्शन के बारे में भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट्स के बारे में कि टीचर्स आर एडवाइज टू टेक केयर देयर पीपल्स आर केयरफुली ड्रिल्ड टू कैरी आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन। यहाँ पे कुछ ऐसे डायरेक्शन दिए गए हैं जो आपको दोस्तों स्क्रीन में शो रहे होंगे, मैं इनके बारे में भी आपको जानकारी दिए देता हूँ। यानी कि कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि यू आर एडवाइज टू आंसर ओनली दैट नंबर ऑफ क्वेश्चन एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन पेपर। उसी क्वेश्चन पेपर का आंसर करना है जिसके बारे में ऊपर मेंशन किया गया है, बहुत अधिक प्रयास नहीं करना है। सब कुछ आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, पॉज करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में आपको बता दूं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि 5 पेजेस का ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज हुआ है, इसको पढ़ के बताने में 1.5 घंटे लग जाएंगे। तो मैं कुछ कौशन और कुछ प्रिकॉशंस आपके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे यूज ऑफ अनफेयर मीन्स के बारे में बोला गया है। इफ द अवार्डिंग कमेटी इज सेटिस्फाइड दैट अ कैंडिडेट हैज मेड एग्रीमेंट्स टू ऑब्टेन अनफेयर हेल्प इन कनेक्शन विद द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम एनी पर्सन कनेक्टेड विद द एग्जामिनेशन सेंटर और एनी एजेंसी विदाउट और आउटसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर द कैंडिडेट इज लायबल टू हैव रिजल्ट्स इन द एग्जामिनेशन व होल कैंसिल्ड। अगर जरा सा भी आप अनफेयर मीन्स करते पकड़े गए, या तो काउंसिल के अंदर यानी कि स्कूल बोर्ड के अंदर या तो बाहर, आपको आपके एग्जामिनेशन से कैंसिल कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे COVID-19 के बारे में बोली गई है कि कैंडिडेट मस्ट रीच द एग्जामिनेशन सेंटर वेल अहेड ऑफ टाइम टू इंश्योर स्टेज्ड मूवमेंट एंड स्मूथ एंट्री टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग। यानी कि बहुत ही भीड़ को अवॉइड करने के लिए आपको अपने एग्जामिनेशन के टाइम से, दिए गए टाइम से पहले पहुंचना होगा। दूसरी बड़ी बात, कैंडिडेट मस्ट मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग इन देयर मूवमेंट। आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी आपके सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन में। ड्यूरिंग एंट्री टू एंड एग्जिट फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल रूम कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बी डू सो इन अ स्टेज्ड मैनर टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म। कैंडिडेट मस्ट यूज फेस मास्क कवर। आपको फेस मास्क यूज करना पड़ेगा आपके ड्यूरिंग पूरे एग्जामिनेशन में। आपको जितनी भी देर तक एग्जामिनेशन सेंटर में बैठना होगा आपको मास्क यूज करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी देयर एडमिशन कार्ड टू द एग्जामिनेशन हॉल और कैंडिडेट्स नीड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द सेफ्टी इंस्ट्रक्शन एट एग्जामिनेशन सेंटर। यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर में जो जो सेफ्टी प्रिकॉशंस दिए गए हैं आपको उनको जरूर फॉलो करना है। जहां तक बातों को सामने लाया जा रहा है, यह इंस्ट्रक्शन आईसीएससी क्लास 10 के बच्चों के लिए अधिक इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि काउंसिल ने कहीं ना कहीं इसको आईसीएससी क्लास 10 के बेस पर ही निकाला हुआ है। आई होप आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दे दी होगी। पसंद आया हो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।